आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। डॉक्टर साधो ने 10 लाख की लागत से नव निर्मित राजपूत समाज के सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण। नांद्रा में मंगलवार को पूर्व मंत्री एवं महेश्वर विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने 10 लाख की लागत से निर्मित राजपूत समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। राजपूत समाज नांद्रा द्वारा परंपरागत रूप से ढोल ताशो व हर्ष फायर कर उनका स्वागत किया गया। माँ सरस्वती व राजा महाराणा प्रताप के चित्र पर अतिथियों द्वारा विधिवत पूजन कर माल्यार्पण किया गया। स्वागत भाषण ग्राम पटेल टिकम सिंह परिहार ने देते हुए राजपूत समाज की ओर से डॉक्टर साधो को धन्यवाद प्रेषित किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सबल सिंह पटेल ने डॉक्टर साधो की कर्मठ कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनाव वाले एक दिन आप हमारा साथ दें, बदले में हम 5 साल आपका साथ देंगे। इस अवसर पर डॉक्टर साधो ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरे मान सम्मान की वजह तुम लोग हो, मैं आज जो कुछ भी हूँ आप सभी क्षेत्रवासियों की वजह से हूँ। आपने साधो परिवार पर अभी तक जो विश्वास व स्नेह बनाए रखा है उसे आगे भी बनाए रखना। मैं क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से दृढ़ संकल्पित हूँ। उन्होंने कहा कि मैं महेश्वर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष करती रहूंगी। कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने गनगोर घाट निर्माण, पुलिया निर्माण, आदिवासी भिलाला समाज, मानकर समाज व बलाई समाज के लिए सामुदायिक भवन आदि मांगों के मांग पत्र डॉक्टर साधो को सौंपे। इस अवसर पर जनपद सदस्य रामचंद्र पाटीदार, सेक्टर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र कटारिया, सरपंच मुकेश सोलंकी, नारायण चौहान, सुरेंद्र सिसोदिया, अरविंद पाटीदार, नरेंद्र परिहार, जनपद सदस्य मुन्ना ठेकेदार, कालू कलम, भूरे सिंह कलम, गणेश मौर्य, सचिन सिसोदिया, इंदर सिंह सिसोदिया, कैलाश तवर, हुसैन पठान, छगनलाल वर्मा, नरेंद्र बाबा, निजाम पठान, सुरेंद्र वर्मा, सद्दाम पठान आदि उपस्थित थे। संचालन जितेंद्र वर्मा ने तथा आभार असलम पठान ने माना। आजाद न्यूज के लिए नांद्रा से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।